रोज नए कारनामे सीखे जा रहे हैं, आज स्कूल जा पहुंचे चंदू के बाप बनकर। तो मैं तो नहीं गया था, मेरे को चंदू ने बोला था कि चल। मेरे को इतनी जोर से भूख लगी है कोई दूध भी नहीं देता। खुद ही लेने जाके, बाप बनना आता है दूध लेना नहीं आता। तो आता है ना, दूध भी ले लूंगा गर्म भी कर लूंगा और हल्दी भी डाल लूंगा ले ले। 4 चम्मच और फिर सुपरमैन बन जाऊंगा। चलो दूध गर्म करो। अरे सारा का सारा दूध गिर गया। अरे कैसे गिरा दिया दूध तू? नहीं गिराया। चलो माचिस जलाओ। शिट, ये तो जलता भी नहीं। चलो जल जाओ, जल जाओ, जल जाओ, जल जाओ। शिट, ये सब कैसे हो गया? मेरी गलती है, मैंने तुझे क्यों बोला? नहीं नहीं, तू रो मत। मैं तुझे दवाई लगा देती हूँ। चल उठ उठ बेटा। बेटे ठीक हो जाएगा। बहुत दुखता है माँ, बहुत दुखता है। आग ऐसी ही होती है बेटे, थोड़ी सी छू जाए तो बहुत जलता है। हाँ माँ, बहुत जलता, बहुत जलता। आग बहुत खराब चीज होती है ना माँ। अब मैं आग के पास कभी नहीं जाऊंगा, मैं कभी नहीं जाऊंगा। हाँ बेटे, चुप। अब आग बंद करके सोचा, नींद आ जाएगी तो अच्छा लगेगा। मगर नींद आती नहीं है ना माँ, बहुत दुखता। आ जाएगी बेटा, कोशिश तो कर, आंख बंद कर। हुजूर, 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 मैं लूट गया, मैं बर्बाद हो गया, मैं तबाह हो गया, समझी की कुर्सी गई। हुजूर, इलेक्शन सर पे आ गया है और वोटर्स लोगों का ये हाल है कि सबके सब अपने वोट पंडन को देंगे। जरा नमक देना जी। हुजूर, 1.5 लाख वोटों में से अशोक नगर के सिर्फ 25,000 वोट मुझे मिलेंगे, बाकी सबके सब टंडन को जाएंगे। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं। आग लगा दो सालों के घरों को, फिर वोट देने कोई नहीं जाएगा। कमाल करते हैं आप अजी, ऐसा भी कभी होता है क्या? आग लगा दो, बात करते हैं। गुमान ठीक कह रहा है मिस्टर। हुजूर, हाँ आग लगाओ, लेकिन टंडन के इलाके में नहीं। तो फिर किसके इलाके में? तुम्हारे इलाके में। कौन सा इलाका है तुम्हारा? अशोक नगर। हाँ अशोक नगर में। हुजूर, आप तो मेरी जमानत जब्त करवा देंगे। नहीं मिश्रा नहीं, अगर तुम्हारे इलाके में आग लगी तो यह काम किसका कहलाएगा? किसका? तुम्हारे विरोधी नेता टंडन का, और फिर उसके 1.25 लाख वोटर्स किससे नफरत करेंगे? किसे? टंडन से। और अगर टंडन से नफरत करेंगे तो अपना कीमती वोट किसको देंगे? मुझे। राइट, यानी कि 25,000 खोकर 1.25 लाख का फायदा। ये कोई घाटे का सौदा नहीं है मिश्रा। हुजूर आप तो कमाल है। आज की ताजा खबर अशोक नगर में भयंकर अग्निकांड। विपक्ष नेता मिश्रा का कहना कि आप टंडन ने लगवाई। डीएस टंडन। मुर्दाबाद।
मैं भी देखता हूँ इन लोगों को। आप तो मेरी कसम। घबराओ नहीं। आग के बदले, खून के बदले, आग के बदले। चार कानून हाथ में लेते हैं। पकड़ लीजिए बेटा उनको। पुलिस है, आप लोग अंदर जाओ, मैं देखता हूं। चल। टंडन साहब नमस्ते। ये जो कुछ भी उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मुझे आपसे दो मिनट प्राइवेट बात करनी है। आइए। थैंक यू। हे, दो कांस्टेबल खड़े करना इधर। हाँ आइए। आई रियली फील वेरी सॉरी फॉर ऑल दिस सर। बैठिए। थैंक यू। टंडन साहब, लोग लाख कहे मगर मैं ये कतई मानने को तैयार नहीं कि अशोकनगर में लगी आग के पीछे आपका हाथ है, और मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि मैं असली गुनहगारों को पता लगाऊं। अगर पता लग भी गया तो आप क्या बिगाड़ लोगे उनका? क्या मतलब? मतलब ये कि वो बहुत बड़े और ताकतवर लोग हैं, कानून और राजनीति ये दोनों उनकी जेब में पलते हैं। यानी कि आप जानते हैं उन लोगों को? अच्छी तरह जानता हूं, और ये भी जानता हूं कि उनका मालिक कौन है। टंडन साहब, आपको अपनी नेकी और अपने आदर्शों की कसम है, मुझे उसका नाम बताइए प्लीज। सुनकर तो यकीन नहीं करोगे, फिर भी बता देता हूं, उसका नाम है जगताप सिंह। व्हाट? यू मीन जगताप कंप्यूटर्स, जगताप शिपिंग कॉर्पोरेशन, जगताप ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का मालिक कुंवर जगताप सिंह? थैंक यू सर। नमस्कार निर्मल बाबू, उर्फ एकांत प्रिय पत्रकार। ओ इंस्पेक्टर जय, घोड़े पे सवार। बोल, चाय पिएगा? नहीं चाय वाय नहीं, आज जरा तुझसे खास बात करनी है। अच्छा चल। हाँ बोल, क्या बात है? देख यार, मैं तुझे पहले बता दूं, इस काम में खतरा भी है ना? यार अगर हम खतरों से डरते ना तो ना तू पुलिस में होता ना मैं अखबार में। बोल बात क्या है? एक जाल फेंकना है पहले, अगर हमारा जाल सही पड़ गया तो देश का एक बहुत बड़ा दुश्मन और उसका सारा गिरोह हमारे हाथ लग जाएगा। तुझे खबर छापनी होगी, तेरी खबर पढ़ते ही वो गद्दार बौखलाकर या तो तुझे डराने की कोशिश करेगा या फिर तुझे खरीदने के लिए अपने किसी आदमी को तेरे पास भेजेगा। राइट। उसका एक खास आदमी अगर हमारे हाथ लग गया तो उस छोटी मछली को चारा बनाकर हम बड़ी मछली को आसानी से पकड़ लेंगे। नहीं मगर ये बड़ी मछली है कौन? कुंवर जगताप सिंह। व्हाट? कुंवर जगताप सिंह? डोंट टेल मी यार, दैट बिग बिजनेस टाइकून। एक्साइटिंग यार, जल्दी बोल क्या छापना है। कम ऑन टेल मी। लिख। बोल। इस संवाददाता को विश्वसनीय सूत्रों से यह पता चला है कि नागिया गैंग का मालिक कौन है। ये वही आदमी है जिसने पुलिस लॉकअप में नंदू नाम के आदमी की हत्या करवाई थी। इतना ही नहीं बल्कि इस बेरहम ने अशोकनगर में आग लगवाकर अनगिनत लोगों को जलाकर राख कर दिया। फिलहाल आप इतना जान लें कि वो शहर का एक बहुत बड़ा उद्योगपति है, इसके अलावा कई मिलों और एक बड़ी शिपिंग कंपनी का मालिक है। उस सफेद पोश आदमी के काले कारनामों के बारे में हम कल के अखबार में और छापेंगे। इस साले को ये सब कैसे पता चला? रिपोर्टर का नाम क्या लिखा है? निर्मल सूद। निर्मल सूद। हेलो निर्मल सूद हियर। तू अपने आप को बहुत होशियार समझता है। ओहो रामजनक जी। रामजनक?
नहीं नहीं, मेरा नाम गुमान सिंह है। हाँ 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 हाँ, परसों हम पार्टी में मिले थे। अरे मैंने तो आपको आपके घर छोड़ा था पेडर रोड पर। पेडर रोड? पेडर रोड पर रहता होगा तू, तेरा पूरा खानदान। मैं जुहू पार्ले में रहता हूँ। अपना नाम और पता क्यों बता रहे हो गुमान? देखो, नागिया गैंग के मालिक के बारे में तुम कुछ नहीं लिखोगे, क्या समझे? अभी तक तो कुछ भी नहीं समझा। हाँ, अगर ये पता चले कि इसमें मेरा अपना कितना फायदा है तो शायद समझ जाऊं। तुम बोलो कितना भेजूं? भेज दीजिए 2 किलो। ठीक है, आधे घंटे में 2 लाख रुपए तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। अभी नहीं, नहीं अभी नहीं, मैं जरा काम से बाहर जा रहा हूं। आप शाम 7:30 बजे के बाद भेज दीजिए। गांडा चालाकी कर रहा है, रुपया मिले तो आदमी बाहर जाना कैंसिल कर देता है, मगर ये साला वक्त चाहता है। कुमान, अपने आदमी लेकर मत जाना, बाहर से आदमी उठाना और उनसे कहना कि अगर कोई गड़बड़ दिखाई दे तो उस लौंडे को उड़ा दे, और जो रुपया है ना उसे बख्शीश समझ के रख ले। यानी कि मछली ने चारा निगल लिया, मैं ठीक 7:15 बजे तुम्हारे घर पहुंचता हूं। लिसन निर्मल, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स।